तो ये एक यूफिंग मॉडल का मोटर है, सोइडिको कंपनी का। ये देखिए इसका टाइप जो है यूफिंग, और इस साइड में क्यूएसडी। ये दोनों ही टाइप का होता है, यूफिंग होता है और क्यूएसडी होता है। सभी में ये फर्क रहता है, डिपेंशियल बोलिए, मोटर कंट्रोलर, यानी ये इसका मीटर था क्यूएसडी और यूफिंग मॉडल दोनों का होता है। इसको अभी हम फिटिंग कर रहे हैं, और इसका जो कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोलर है ये यूफिंग मॉडल का नहीं है, ये क्यूएसडी मॉडल का है। तो एकदम नया मोटर है, इसका जो अंदर मोटर जो लगा था वो जल गया था, तो अभी इसका हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए कनेक्शन इसका कैसे करते हैं। ये देखिए पहले मैंने किया कि इसको कॉमन कर दिया, ये मोटा वाला जो वायर रहता है तीनों, इसको मैंने कॉमन कर दिया, ये येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन और ब्लू के साथ ब्लू। और उसके बाद ये होल सेंसर जो होता है इसको हम जैसे भी है, ये देखिए इसको हम अभी उल्टा पुल्टा या फिर वायर जो सेंसर होल सेंसर का वायर जो चेंज करना वो सब हम नहीं करेंगे। पहले हम इसको चेक करेंगे कि इससे अगर हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो क्या करेंगे और क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए पूरा वीडियो। होल सेंसर ये रहा इसका होल सेंसर का जैक, ये गिर जाएगा तब इसको इधर लगाने से क्या हुआ देखिए। ये देखिए ये लगाने के बाद भी ये कॉमन ही हो गया अपने आप, देखिए कॉमन हो गया। कॉमन मतलब ग्रीन के साथ ग्रीन, येलो और ब्लू कॉमन हो गया। तो अभी जैसा कि मैंने एक नया मोटर लाया और यहाँ का कनेक्शन मोटा वाला कॉमन कर दिया, यहाँ पर भी लगाने से कॉमन रह गया। मैंने इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, बस इसको लगाया और ये जो है कॉमन हो गया। तो इसके बाद हम एक्सेलेटर देके देखेंगे कि ये मोटर चल रहा है कि नहीं। अभी जो है मोटर को मैंने अंदर फिट नहीं किया, बाहर से हम पहले चेक कर लेंगे। हाँ चालू करो। चलो देखिए, ये देखिए ये अपने आप स्टार्ट हो गया, इसका कनेक्शन घुमाने का कोई जरूरत नहीं। देखिए नहीं नहीं आगे दो, आगे फुल स्पीड में दो, हाँ फुल फुल। तो ये हो गया इसका कनेक्शन, एकदम एक झटके में हो गया। और आगे कोई मोटर और आएगा वो भी ऐसे हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। मुझे अभी लग रहा है कि इसका जो कंट्रोलर है ये भी यूफिंग मॉडल का ही है, देखकर लग रहा है कि ये क्यूएसडी का है, मगर ये जो कंट्रोलर है ये यूफिंग मॉडल का ही होगा, इसीलिए जो है झटके में स्टार्ट हो गया। हाँ देखिए ये देखिए ये 48 वोल्ट का इनपुट है जो यूफिंग मॉडल में ऐसे ही रहता है। अगर ये क्यूएसडी मॉडल का होता तो ऐसा वाला जैक से, ये जैक से इसका 48 वोल्ट का इनपुट होता, मगर इसी से पता चल जाएगा इसका सिंगल वायर होगा और ऐसे जैक सिस्टम रहेगा। तो ये कंट्रोलर भी इसका क्यूएसडी है और मोटर तो मैंने क्यूएसडी पहले ही बोला आपको, इसीलिए जो है सेम कनेक्शन से ये स्टार्ट हो गया। अगर ये क्यूएसडी का कंट्रोलर और यूफिंग का मोटर रहता तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता, उसका कनेक्शन करने में थोड़ा टाइम लग जाता, मगर मैंने सोचा कि ये कंट्रोलर जो है क्यूएसडी का है, मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा। तो यही ऐसे ही कनेक्शन करते हैं, और फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए कि ये क्यूएसडी होता तो ये कनेक्शन जो है इसमें ये मोटर नहीं चल सकता, चल भी जाता फिर नहीं चल सकता, और उसके बाद क्या करना होगा। उसके बाद जो है तीनों वायर हम निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद ग्रीन को कॉमन करेंगे, येलो और ब्लू को घुमा देंगे, फिर भी नहीं चल रहा है तो ये ग्रीन को भी निकाल के ब्लू के साथ उल्टा पुल्टा कर देंगे, ऐसे करके। इसके पहले भी मैंने ये कनेक्शन का वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, अगर वो देखना चाहते हो तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक,
कमेंट, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।